रहिका थाना क्षेत्र के इजरा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय घाट टोल इजरा प्रखंड रहिका में पदस्थापित नियोजित पंचायत शिक्षिका रीना कुमारी के विरुद्ध में रहिका थाना में फर्जी मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताते चले कि उच्च न्यायालय पटना द्वारा जनहित में पारित आदेश के आलोक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय पटना द्वारा निगरानी जाँच संख्या पंजीकृत करते हुए नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अंक पत्रों प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु पुलिस निरीक्षक सह जाँचकर्ता निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना नियोजित शिक्षक जांच कोषांग कैप मधुबनी जिला सत्येंद्र राम ने रहिका थाने को आवेदन देकर पंचायत शिक्षिका रीना कुमारी पिता गुरु शरण यादव पति राकेश कुमार यादव ग्राम सप्ता थाना रहिका जिला मधुबनी जो की प्राथमिकी विद्यालय घाट टोल इजरा में पदस्थापित एवं अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मिली भगत कर टीईटी अंक पत्र की कुट रचना कर कुट रचित अंक पत्र को असली के रूप में प्रयोग कर धोखाधड़ी से आपराधिक षड्यंत्र के तहत अवैध रूप से नियोजन में लाभ प्राप्त कर नियोजन प्राप्त किया है, जो एक अपराध है और इस अवैध नियोजन में अन्य लोगों की भी संलिप्तता शामिल है। मधुबनी जिला के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच करने हेतु अध्योस्ताक्षरी की प्रतिनिधि की गयी है। नोडल पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मधुबनी द्वारा उपलब्ध कराए गए फोल्डर संख्या 145 के अवलोकन से पाया गया कि नियोजित पंचायत शिक्षिका रीना कुमारी को नियोजन वर्ष 2012 में पंचायत शिक्षिका के रूप में पंचायत नियोजन इकाई इजरा विद्यालय में कार्यरत है। इनके द्वारा अमेनिस्टी पीरियड में त्याग प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। नियोजित पंचायत शिक्षिका रीना कुमारी का बिहार परीक्षा समिति पटना का BETET परीक्षा वर्ष 2011 रोल नंबर पेपर एक कुल प्रमाण पत्र अंक पत्र SR की जांच संबंधी बोर्ड से कराई गई। जांचोपरांत प्रशासनिक पदाधिकारी निगरानी सत्यापन को सांग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना माध्यम से जांच रिपोर्ट किया गया कि रीना कुमारी BETET परीक्षा वर्ष 2011 रोल नंबर पेपर नंबर समिति अभिलेख के अनुसार कुल प्राप्तांक 042 नॉट क्वालिफाइड है। इस प्रकार पंचायत शिक्षक रीना कुमारी के द्वारा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर TET पत्र की कुट रचना कर कुट रचित प्रमाण पत्र को असली के रूप में प्रयोग कर धोखाधड़ी से आपराधिक षड्यंत्र के तहत अवैध रूप से नियोजन में लाभ प्राप्त कर नियोजन प्राप्त किया गया था, जो एक अपराध है। फर्जी नियोजित शिक्षिका रीना कुमारी के विरुद्ध जालसाजी मामले में रहिका थाना में प्राथमिकी दर्ज किया। रहिका थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने युक्त जानकारी देते हुए बताया कि फर्जी नियोजित पंचायत शिक्षिका के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रहिका थाना पुलिस ने कांड में जब्त अंग्रेजी शराब कुल 5,580 लीटर शराब का रहिका आरओ रणदीप कुमार रमन मधुबनी उत्पाद विभाग ASI संजीत पासवान के समक्ष JCB के माध्यम से गड्ढा खोद कर कांड में जब्त अंग्रेजी शराब को JCB के माध्यम से शराब के बोतल को फोड़ कर गड्ढा में रख कर पुनः मिट्टी से भर दिया गया। इस प्रकार अंग्रेजी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष रहिका राजकिशोर कुमार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व जगतपुर पेट्रोल पंप के पास से ट्रक पर ट्रांसफार्मर लादे ट्रांसफार्मर के तहखाने से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया गया था। उसी कांड में जब्त अंग्रेजी शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। मौके पर उपस्थित मालखाना प्रभारी SI राजेश कुमार, SI नंद कुमार, SI मोहम्मद मोइन के साथ चौकीदार सहित अन्य पुलिस बल भी मौजूद थे। रहिका थाना पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान समकालीन अभियान के तहत अलग अलग जगह से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वारंटी लहरियागंज वार्ड नंबर 15 निवासी राम लखन पासवान के पुत्र बबलू पासवान है। वहीं दूसरा वारंटी बसौली गांव निवासी शिवजी मंडल दोनों थाना रहिका जिला मधुबनी का न्यायालय द्वारा निर्गत अधिपत्र के आधार पर रहिका पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया है। युक्त जानकारी पुलिस निरीक्षक थाना अध्यक्ष रहिका राजकिशोर कुमार ने। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।